हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के तरीके, हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से निकालते हैं उसको समझ लिया था। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों एक एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जब आपके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हो। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड हो बच्चों? डबल बॉन्ड हो तो आपका बॉन्डिंग किस टाइप का है? पी पाई टाइप का है या पी पाई डी पाई, मतलब आपका पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ है या फिर आपका डी ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ है, इसको फाइंड आउट करना। तो देखते हैं, यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड इन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में कौन कौन से टाइप के पाई बॉन्ड बने, ठीक है, इसको हमको समझना है। ठीक है, तो काफी इजी कंसेप्ट है, इसको भी हम हाइब्रिडाइजेशन से डिफाइन कर लेते हैं वैसे इजीली, लेकिन हम समझेंगे। ठीक है, तो हमको टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए ये जाते हैं बच्चों, अक्सर क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बनता है इसमें से, हाइब्रिडाइजेशन से तो इम्पोर्टेंट टॉपिक तो बनेगा। और यहाँ पर हमको क्या क्या समझना है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों यहाँ पर, कि जैसे मैंने XeO3 का स्ट्रक्चर फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। XeO3, अगर मैंने XeO3 का स्ट्रक्चर बनाया तो XeO3 में मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? हाइब्रिडाइजेशन। XeO3 में मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर मैंने क्या कैलकुलेट किया बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन मैंने यहां पर कैलकुलेट करूंगा। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा बच्चों, आप लोग जानते हो कि एक्सी, ठीक है, एक्सी का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो तरीके मैंने बताए थे, ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका लगा लो। टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? यहां पर 8, यहां पर 3 × 6, टोटल कितना हो गया? यहां पर हो गया 18 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 26। अब टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को आप किससे डिवाइड कर दो? 8 से डिवाइड कर दो, तो 26 डिवाइड बाय 8 तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 3 टाइम्स और यहां पर आपका 2, ठीक है, इस तरीके से होगा। 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, 3 से आपका डिवाइड, 3 आपका क्या होगा? डिवाइडर, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका रिमाइंडर, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर दो तो यहां पर क्या होगा बच्चों? 3 और 1, 1 का मतलब क्या है बच्चों? आपका लोन पेयर, और 3 का मतलब क्या है बच्चों? आपका 3 का मतलब बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं इसमें स्टेरिक नंबर निकालना चाहूं तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 + 1 = 4, इसका मतलब sp3 hybridization स्ट्रक्चर विल बी व्हाट? टेट्राहाइड्रल। स्ट्रक्चर विल बी व्हाट? टेट्राहाइड्रल। ये यहां पर आपका कौन सा स्ट्रक्चर होगा बच्चों? टेट्राहाइड्रल। अब देखो मैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड पेयर और ये यहां पर बना लेता, देखो ये मैंने 3 बॉन्ड पेयर बना दिए और एक लोन पेयर। अब जैसा कि आप लोग जानते हो ये आपका डाइएटॉमिक होता है, XeO3 में ऑक्सीजन आपका क्या होता है बच्चों? डाइएटॉमिक। ऑक्सीजन आपका क्या होता है? डाइएटॉमिक। डाइएटॉमिक होता है तो इसलिए ये आपका क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हो कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड पाई होगा, एक बॉन्ड सिग्मा होगा, तो मैं बोलूं कि ये वाला बॉन्ड पाई है तो ये वाला बॉन्ड आपका सिग्मा, ये वाला बॉन्ड पाई है ये वाला बॉन्ड सिग्मा, ये वाला बॉन्ड पाई है तो ये वाला बॉन्ड आपका सिग्मा। तो यहां पर अगर मैं बोलना चाहूं हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, यहां पर मैं बोलना चाहूं टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने बच्चों? 3। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई होगा एक सिग्मा होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे बच्चों? यहां पर 3। तो यहां तक तो आप लोगों को कैलकुलेट करना आ गया था पूरा कंप्लीटली, यहां पर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3। अब मुझे बताना है कि इसमें जो पाई बॉन्ड है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है समझना, इसमें जो पाई बॉन्ड है, ये जो 3 पाई बॉन्ड है इसका टाइप कौन सा है, इसमें कौन कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? देखो या तो आपका पाई बॉन्ड पी पाई ओवरलैपिंग से बनेगा,
मतलब पी और बाइटल के एक्सेल ओवरलैप मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा, ठीक है, या तो ये आपका डी और पी के पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा, या तो ये आपके डी और बाइटल के पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा। तो इस तरीके से इतने टाइप के आपके ओवरलैपिंग हो सकते हैं, मतलब या तो पी और बाइटल आपका पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, या तो एक डी और एक पी और बाइटल आपका पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, या तो आपके दोनों डी अगर पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे तो भी आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसमें से कौन सा पाई बॉन्ड होगा ये हमको बताना है, यही हमको तो बताना है, इंपॉर्टेंट तो यहीं पर आता है बच्चों। तो देखते हैं एक एक करके ध्यान से कि यहां पर कौन सा पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पर स्ट्रक्चर आप लोग बना लेना, ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोगों को बना लेना है। अब मैं आप लोगों को यहां से बताता हूं कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पाई बॉन्ड होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो देखते बच्चों एक एक करके ध्यान से, यहां पर एक एक करके ध्यान से देखते बच्चों कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो काफी इजी है, देखो सबसे पहले अगर मैं इसका ऐसे ही बनाऊं तो इसका मैं हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक्सप्लेन करके देखता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन में इसका एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिखता हूँ एक्सी 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 का क्या होगा बच्चों, एक्सी के आपके क्या होंगे, हिना नीना और करीना जेरोस, मतलब 5s2 5p6 ये हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। अगर मुझे यहां पर कितने ओ से बॉन्डिंग करनी है, तीन ओ से, मतलब तीन ओ से बॉन्डिंग करनी है तो तीन मेरे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। देखो ये मैं बना देता हूँ 5s2 का, ये मैंने बना दिया, यहां पर मैंने पी के और बाइटल बना दिए, यहां पर मैंने किसके बना दिए, पी के और बाइटल बना दिए, ठीक है। अब देख सकते हो कि आप कोई भी यहां पर अनपेयर नहीं है, कोई भी यहां पर अनपेयर नहीं है, बहुत ही खतरनाक बात है, यहाँ पर कोई भी और बाइकल आपका अनपेयर नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, लेकिन आपको कितने अनपेयर चाहिए सिग्मा बॉन्ड के लिए, तीन। आप लोग जानते हो कि हाइब्रिडाइजेशन में मुझे सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा बॉन्ड के लिए आपको एक अनपेयर चाहिए। अब क्या होगा, तीन अनपेयर चाहिए तो तीन को मुझे अनपेयर करना पड़ेगा, तो तीन को मैं अनपेयर करूंगा। लेकिन आप जान सकते हो कि 5 क्वांटम नंबर का डी भी तो होगा, लेकिन डी में आपका 0 इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैं यहाँ पर डी बना देता हूँ एक बार ऐसे ही वेकेंट, 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने बना दिया डी, ये हो गया आपका 5s, ये हो गया आपका 5p, ये हो गया आपका 5d। अब क्या होगा कि ये आपके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट आप समझना, यहां पर समझना, एक्साइटेड स्टेट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जंप करेंगे बच्चों, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन, देखो मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं इसको बोलूं कि ये आपका ग्राउंड स्टेट है, अगर मैंने बोला एक्साइटेड स्टेट वन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p5 5d1, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अगर मैं बोला कि एक्साइटेड स्टेट टू, तो यहां से एक और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, 5s2 5p4 5d0 5d2, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला एक्साइटेड स्टेट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को मुझे एक्साइट करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5s2 5p4 सॉरी 5p3 5d3। तो अब यहां पर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो गया बच्चों, ये वाला हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन को मुझे एक्साइट करना था तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट कर दिए। तो यहां पर पी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया और डी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकला था वो क्या निकला था बच्चों, sp3। तो sp3 का मतलब यही तीनों और बैटल आपके हाइब्रिड हो रहे, यही तीनों और बैटल आपके हाइब्रिड हो रहे, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा इन तीनों और बाइटल का, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों और बाइटल का होगा, तो 4sp3 और बाइटल बन जाएंगे, 4sp3 और बाइटल बन जाएंगे। और मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, तो यहां पर हमेशा क्या बनेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, बात समझ में आया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो ऑक्सीजन एक बॉन्ड से अटैच होगा, ऑक्सीजन का जो एक बॉन्ड यहां अटैच होगा
वो ओनली किसके लिए होगा, सिग्मा बॉन्ड के लिए, किसके लिए होगा सिग्मा बॉन्ड के लिए, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन तो डायटोमिक है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज डायटोमिक, डायटोमिक, डायटोमिक एटम, ऑक्सीजन आपका डायटोमिक है, सो इट विल बी फॉर्म, इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड, ये आपका क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड करेगा। अब ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो यहां से तो हमको सिग्मा बॉन्ड का पता पड़ गया। अब ये वाला जो ऑक्सीजन वन बोल देता हूं, इसको ऑक्सीजन टू बोल देता हूं, ऑक्सीजन थ्री बोल देता हूं। अब देखो ध्यान से समझना, ऑक्सीजन वन क्या होगा, उसको डबल बॉन्ड फॉर्म करना है, तो एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब जो इसके साथ ऑक्सीजन वन जो फॉर्म करेगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन टू जो फॉर्म करेगा वो पाई बॉन्ड, और ऑक्सीजन थ्री जो फॉर्म करेगा इसके साथ पाई बॉन्ड। अब हम समझेंगे कि ऑक्सीजन का कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऑक्सीजन का आप देख सकते हो यहां पर, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p4, मतलब ये मैंने 2s2 बना दिया, 2s2 बना दिया। अब यहां पर मैंने 2p4 बना दिया, 1 2 3 4। अब देखो ऑक्सीजन का जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन था वो तो आपके सिग्मा बॉन्ड के लिए काम आ गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो अनपेयर है, ये अब क्या करेगा, इसके साथ पेयर हो जाएगा, इन सब के साथ आपका पेयर होना स्टार्ट करेगा, इन सब के साथ मिलेगा, इन सब के साथ मिलेगा तो यहां पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड का। अब देखो ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन का कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, पी इलेक्ट्रॉन का, पी ऑर्बिटल का। ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल का। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के, यहां पर ज़ेनॉन के कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख सकते हो यहां पर डी का है, ठीक है, डी का है। तो जो पाई बॉन्डिंग बन रहा है वो कौन कौन से ऑर्बिटल के बीच बन रहा है, एक तो डी के बीच, एक किसके बीच बन रहा है बच्चों, पी के बीच, एक डी के बीच और किसके बीच बन रहा है, पी के बीच। तो अगर मैं अब बोलना चाहूं, अगर मैं अब इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं तो आप समझोगे और भी। तो अगर मैं आप बोलना चाहूं कि इसका क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं सिंपली, अगर मैं इसका बोलना चाहूं, अगर मैं लिखते यहां पर ज़ेनॉन, यहां पर लोन पेयर आया था, इस तरीके से बनाया था मैंने स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड तो हम लोगों ने बोल दिया, सिग्मा बॉन्ड तो हम लोगों ने बोल दिया, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय अ ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड होगा, ये जो पाई बॉन्ड होगा, ये जो पाई बॉन्ड होगा, उसको फॉर्मेशन करने के लिए ज़ेनॉन का कौन सा ऑर्बिटल जा रहा है, डी ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पी ऑर्बिटल के, तो यहां पर पी हो जाएगा। इसके लिए भी सिमिलर है, क्योंकि तीन ऑक्सीजन है ना, तो इसके लिए भी सिमिलर है, एक डी का जा रहा है, एक पी का जा रहा है, इसके लिए भी सिमिलर है, एक डी का जा रहा है और एक पी का जा रहा है, तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी वो किसके बीच होगी, डी पाई पी पाई। तो यहां पर आपका किस टाइप का बॉन्ड होगा, यहां पर आपके जितने भी पाई बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, सीधा पूछेगा, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, यहां पर प्रॉब्लम हम लोगों को क्रिएट होगा, इसीलिए मैंने ये पूरा बताया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। तो आपसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, ज़ेनॉन में कितने पाई बॉन्डिंग है एंड उस पाई बॉन्डिंग का टाइप कौन सा है, ठीक है, कितने टाइप के पाई बॉन्डिंग है अलग अलग बताओ। तो यहां पर तो केवल और केवल किस टाइप का पाई बॉन्डिंग है, डी पाई पी पाई, बस, ठीक है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, ताकि आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, हम और भी टाइप के एग्जांपल देख सकते हैं, घबराने का नहीं बच्चों, हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको और भी एग्जांपल बताऊंगा अच्छे अच्छे देखो एक और मैं एग्जांपल बताता हूं, यहां पर मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल SO3। अब मुझे SO3 SO2 रह दो बच्चों, दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SO2 SO3 का हम नेक्स्ट SO3 हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम करते हैं बच्चों SO2 का। अब देखो SO2 में सबसे पहले आप क्या निकाल लो,
आपको जिस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उस तरीके से निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको निकालना है हाफ VMCA उससे निकालना है तो उससे भी निकाल सकते हो, नहीं तो कोई भी मेथड अप्लाई कर लो। मैं यहां पर कोई भी मेथड अप्लाई कर सकता हूं, देखो मैं इस बार हाफ VMC वाला करता हूं ताकि आपको दोनों मेथड हमेशा के लिए परमानेंट याद हो जाए। ठीक है, ये मैंने मेथड अप्लाई कर दिया। अब मुझे बता रहे हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना है। अब देखो वैलेंस सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। मोनो एटॉमिक नहीं है तो 0, कैटायन नहीं है 0, एनायन नहीं है 0, तो टोटल कितना हो गया 6/2 6/2 मतलब कितना हो गया 3 3 का मतलब sp2। तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। लेकिन इस मेथड में क्या मुझे लोन पेयर के बारे में पता पड़ा, नहीं पता पड़ा। तो मैं वाला मेथड लगाता हूं जिसमें मुझे लोन पेयर के बारे में पता पड़ जाए। अब देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर कितना होगा, सल्फर में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन में 6, तो 6+2 × 6, ठीक है टोटल कितना आ गया बच्चों यहां पर 18। अगर मैं 18/8 कर दूं तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर आपका देखो यहां पर 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और रिमाइंडर को मुझे 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 2 × 2 और 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, जल्दी बताओ ये आपका हो जाएगा बोन पेयर, मतलब दो बोन बनेंगे, यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर एक आपका क्या हो जाएगा लोन पेयर। अब मुझे लोन पेयर के बारे में पता पड़ गया, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं sp2 हाइब्रिड के लिए, तो sp2 हाइब्रिड का शेप क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिड का शेप क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। शेप नहीं, एक्चुअली इसका जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। अब मैं ट्रायगोनल प्लेनर में इसको अरेंज करता हूं, पहले सिग्मा बॉन्ड बनाता हूं, ठीक है पहले मैं सिग्मा बॉन्ड बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि ये मैंने सिग्मा बॉन्ड के साथ और यहां पर एक लोन पेयर। अब एक्चुअली में ऑक्सीजन आपका डाई एटॉमिक है, अब डाई एटॉमिक होगा तो क्या होगा, दो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, दो बॉन्ड बनाएगा, ये मैंने दो बॉन्ड बना दिए, लो ये आपका पहला वाला सिग्मा हो गया, नीचे वाला क्या हो गया पाई बॉन्ड। अब हमें दिक्कत आई कि यहां पर किस तरीके से बॉन्डिंग होगी, तो सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन से डिफाइन करता हूं इसको। हाइब्रिडाइजेशन लिखा, सल्फर का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये होता है, तो आउटर मोस्ट शेल ये होगा, तो आउटर मोस्ट शेल का मैं लिख लेता हूं ऑर्बिटल, ये मेरा 3s, ये मेरे दो इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास यहां पर 1 2 3 4, ठीक है ये हो गया, ये आपका हो गया यहां पर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप सो कि यहां तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर SO2, ठीक यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बेटा, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो कि यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर आप लोगों को समझना है कि यहां पर कितने एक्चुअली में कितने आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दो लोन पेयर चाहिए। देखो एक लोन पेयर चाहिए मुझे हाइब्रिडाइजेशन में, एक लोन पेयर चाहिए, ठीक है, और कितने दो बोन पेयर चाहिए। ठीक है, एक लोन पेयर तो चाहिए मुझे, अब देखो एक लोन पेयर चाहिए, लेकिन यहां पर एक्चुअली में कितने लोन पेयर है बच्चों, यहां पर एक्चुअली में दो लोन पेयर है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊंगा, कौन से स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, तो अब इसका तो 3D भी होगा, ठीक है 3D भी होगा, तो इसका 3D में इस तरीके से बना देता हूं। अब एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां जब बिखर जाएगा तो अब क्या बनेगा बच्चों, ये आपका ये बन गया मेरा 3s, ये बन गया मेरा यहां पर 3p, और ये बन गया मेरा यहां पर 3d। ठीक है, ये मेरा बन गया यहां पर 3d, तो इस तरीके से मेरा बन गया। अब देखो एक लोन पेयर आ गया, ठीक है एक लोन पेयर आ गया, अब दो बोन पेयर। एक्चुअली में इसमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मतलब एक्चुअली में यहां पर 3p और ये 3d, तो कितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केवल और केवल यहां तक। ये हो जाएगा बच्चों आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां से इन्हीं ऑर्बिटल का आपका क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब इन्हीं ऑर्बिटल का जब आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपका कितने कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे,
एक दो तीन जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल काउंट करो, इसको हम एटॉमिक बोलेंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो अलग होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल देखो एक दो तीन, तो यहां पर तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? देखो आप लोग मेरे वीडियो को देखते देखते मैं जो बोलता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा बॉन्ड बनेगा, आप खुद से एक बार रिप्लाई क्या करो, आंसर क्या करो, ताकि आपको समझ में आए। हाइब्रिडाइजेशन से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर देखो कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। अब मैं ऑक्सीजन का लिखना चाहूं तो ऑक्सीजन का मैं लिखता हूं यहां पर, ये तो आपने लिख लिया होगा यहां तक। अब मैं ऑक्सीजन का लिखता हूं, ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। फ्रंट पे काफी इजी है, एक दो बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में मैंने लिखा। अब देखो ऑक्सीजन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। अब देखो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का यहां पर एक दो तीन चार। अब देखो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ तो चला गया, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ चला जाएगा? इन दोनों के साथ। दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन मैंने बना दिए। लो दो ऑक्सीजन का मैंने वर्ग बना देता हूं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि किस तरीके से मैं डील कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, किस तरीके से मैं यहां पर डीलिंग कर रहा हूं उसको आपको समझ में आ जाएगा। इसका भी एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा, तो यहां पर क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन भी तो बचे, यहां से निकालता हूं बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला, इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं बोल देता हूं, यहां पर भी ये वाला। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला आपका इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, ये दोनों आपके अटैच हो चुके। ठीक है, दोनों आपके अटैच हो चुके। ठीक है, अब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन भी तो अनपेयर है, दो इलेक्ट्रॉन भी तो अनपेयर है, और यहां पर भी अनपेयर बचा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों में पेयरिंग करेंगे, मैंने आपको बताया था ना कोवलेंट बॉन्डिंग पार्टनरशिप से बनेगी, तो ये दोनों भी आपका पार्टनरशिप करेगा। अब इस बार क्या होगा, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है, तो यहां पर ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये इसके साथ, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तो है ना प्योर पी ऑर्बिटल है, इसका नाम क्या होगा, प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल, और इसका नाम क्या होगा, प्योर डी ऑर्बिटल, इसका नाम क्या होगा, प्योर डी ऑर्बिटल। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पर आपका हाइब्रिड, यहां पर आपका ओवरलैपिंग होगा। अब ओवरलैपिंग में समझो पी का कौन सा ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल है, पी, इस ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल है, सल्फर का एक कौन सा ऑर्बिटल है, पी, और एक कौन सा ऑर्बिटल है, डी। तो मतलब एक आपका पी पाई, एक आपका पहला जो ओवरलैपिंग होगा, कोई सा भी बोल सकते, कोई सा भी बॉन्ड होगा, एक तो आपके पी पी के ओवरलैपिंग से बनेगा, और एक आपके किसके बाद बनेगा बच्चों, डी और पी के ओवरलैपिंग से बनेगा। तो एक आपका पी, जो आपके पी पी से ओवरलैपिंग बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पी पाई पी पाई, और जो आपके डी और पी के ओवरलैपिंग से बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डी पाई पी पाई। तो इस तरीके से हम यहां पर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग को निकालते हैं। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन देख लेते बच्चों ताकि आपको और भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। देख लेते एक और क्वेश्चन SO3 के बारे में। हम सारे निकाल सकते हैं, हम सबका निकाल सकते हैं बच्चों, सबका A to Z का। अभी मैं आपको एक ना शॉर्टकट ट्रिक भी दूंगा इसका, लेकिन उसके ऊपर कम भरोसा करो, आप लोग कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा भरोसा करो। ठीक है, ठीक है, मैं पहले ही बोलता हूँ कि कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से करो एज कम्पेयर टू शॉर्टकट, एज कम्पेयर टू शॉर्टकट आप कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से करो तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम समझते हैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने लिया SO3। अब देखो SO3 का मैंने एग्जाम्पल लिया। अब यहां पर जब मैंने SO3 का एग्जाम्पल लिया तो SO3 के एग्जाम्पल में मैं बात करता हूँ सल्फर। ठीक है, मैं बात करता हूँ किसकी बच्चों, सल्फर की। तो यहां पर मेरा सल्फर है, सल्फर का कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p4। ठीक है, फिर से अगेन वही कंसेप्ट आपका काम आएगा। एस में कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने हैं,
पी में आपके चार इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बना दिए, बात क्लियर है, काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैं SO3 का निकालना चाहूं, ठीक है, अगर मैं SO3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूं तो हाइब्रिडाइजेशन में टोटल वैलेंस वाले से निकालता हूं ताकि मुझे लोन पेयर का पता पड़ जाए, हाँ या ना, ठीक है। तो यहां पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, यहां पर 6 होते, इसके 6 होते, तो क्या होगा, 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये तो आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, 18 प्लस 6 इक्वल टू 24, अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8, तो कितना होगा बच्चों, 24 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया बच्चों, यहां पर 3 आ गया, ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचा, 0, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर, और यहां पर 3 क्या होगा बच्चों, बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर है बच्चों, 3 बॉन्ड पेयर है। अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर निकालना चाहूं तो 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिड, मतलब कोई भी लोन पेयर बिना लोन पेयर के साथ sp3 हाइब्रिड, तो हाइब्रिडाइजेशन से तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर मैंने ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और बचे हुए आपका ऑक्सीजन डायटोमिक होता है, डायटोमिक होने की वजह से ये आपका कितने बॉन्ड बनाएगा बच्चों, 2 बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो देखो यहां पर 2 बॉन्ड मैंने बना दिया, ठीक है, एक बॉन्ड सिग्मा होगा तो बचा हुआ बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड, बात क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि इसमें ध्यान से इस, मैंने उसके थ्रू स्ट्रक्चर निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे सल्फर के कितने अनपेयर चाहिए मुझे, यहां पर बिना लोन पेयर यहां पर है नहीं है, तो सारे के सारे लोन पेयर हटा दो, यहां पर तो लोन पेयर बचेगा, यहां पर लोन पेयर बचेगा, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर, इसको ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर, देन सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहां पर समझना बात को, कंसेप्ट काफी अच्छा और काफी इजी कंसेप्ट है, काफी अच्छा और काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आप लोग एक दो बार ध्यान दोगे तो आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर मैंने डी ऑर्बिटल बना दिया, अब क्या होगा डी ऑर्बिटल में, यहां पर मैं ऐसे ही बना देता हूं डी ऑर्बिटल ताकि आपको समझ में आ जाए, ये इधर जाएगा, ये वाला आगे डी ऑर्बिटल में जंप करेगा, जब ये जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट में तो सब जगह आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक 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 और यहां पर भी एक, ठीक है। अब बात को समझो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, तो मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट किया होगा, आपका एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया होगा हाइब्रिडाइजेशन में, और इनसे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, इनसे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा, बात क्लियर है। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन का मन खुश नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर होते हैं, एक अनपेयर वाले बॉन्ड ने इसके साथ तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है, इसके साथ तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो मतलब ऑक्सीजन, इसको मैं नाम देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सी, तो ए ऑक्सीजन और यहां पर बी ऑक्सीजन, यहां पर सी ऑक्सीजन, तीनों का एक एक सिग्मा बॉन्ड तो आपका हाइब्रिडाइजेशन से बच गया, बन गया। लेकिन ऑक्सीजन में कितने अनपेयर होते हैं, 2 अनपेयर होते हैं, मतलब डायटोमिक क्यों होता है बच्चों को, क्योंकि उसके अंदर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन ने तो काम कर लिया अपना, दूसरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, एक्चुअली में दूसरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन का ए ऑक्सीजन ए का एक, ये आप उसी तरीके से भी बना सकते हो, उसके साथ पाई बॉन्ड बनाया जाएगा, ठीक है। आप उस तरीके से भी अलग से हाइब्रिड और ऑर्बिटल बना के बता सकते हो, लेकिन ऐसे समझो, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब देखो यहां पर क्या बनेगा, देखो एक जो ओवरलैपिंग होगा ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, मैंने बताया था ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल में अनपेयर होता है, तो ऑक्सीजन का एक पी ऑर्बिटल का अनपेयर इलेक्ट्रॉन और एक सल्फर के पी ऑर्बिटल का, एक बार क्या होगा सल्फर के डी ऑर्बिटल का, ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल का, एक और बार क्या होगा सल्फर के डी ऑर्बिटल का और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल का, तो इसका मतलब यहां पर 3 पाई बॉन्ड बनेंगे, यहां पर 3 पाई बॉन्ड बनेंगे, और किसकी कोई सी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहां वहां, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोल दिया एक पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, मतलब सल्फर का पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, इसको मैंने लिख दिया सल्फर का डी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, इसको मैंने लिख दिया सल्फर का डी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, दोनों मिले तो एक दो क्या बना दिए बच्चों, यहां पर डी पाई बॉन्डिंग और यहां पर पी पाई बॉन्डिंग,
तो इस तरीके से हम यहां पर डी पाई पी पाई पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको यहां तक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि पी पाई डी पाई। अब देखो पाई बॉन्डिंग में आपसे ये नहीं पूछेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी बॉन्डिंग है, पी पाई डी पाई या फिर डी पाई डी पाई। ठीक है, अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं, आप उस ट्रिक को फॉलो तो ट्रिक को फॉलो कर सकते हो, कहीं गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करो कि आपको कंसेप्ट ज्यादा है, ट्रिक से ज्यादा आपको कंसेप्ट आए। देखो इसी में मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ट्रिक को ध्यान से समझना, ट्रिक को ध्यान से समझना। मैंने जैसा बोला था हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड आपका क्या होता है प्राइमरी, तो पहले हम प्राइमरी मतलब सिग्मा बॉन्ड वाले को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और पाई बॉन्ड आपका क्या होता है बच्चों सेकेंडरी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्राइमरी होता है और पाई बॉन्ड सेकेंडरी होता है। ट्रिक को समझना, ट्रिक को अच्छे से समझना बच्चों, ट्रिक क्या है, ठीक है। अब समझना ध्यान से कि इसको किस तरीके से करेंगे। अब देखो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मैंने हाइब्रिडाइजेशन पहले ही बता दिया है, इसका मैंने हाइब्रिडाइजेशन पहले ही बता दिया है sp2। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा वो सल्फर के s ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये भी आपका p ऑर्बिटल से, ये आपका p ऑर्बिटल से, ठीक है। तो कितने s काम में आ गए, एक s काम में आ गया, दो p काम में आ गए, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा क्या, यहां पर ध्यान से समझो, सल्फर में, सल्फर में देखो sp2 तो हो गया, sp2 के बाद कितने p होते हैं, तीन p होते हैं, तो यहां पर एक p ऑर्बिटल होगा, यहां पर आपका क्या होगा एक d ऑर्बिटल होगा, यहां पर एक क्या होगा d ऑर्बिटल। मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल। तो ये तो मैंने बना लिया sp2, लेकिन और भी तो बॉन्ड बने, और बॉन्ड आप किससे बनाओगे, p में तीन होते हैं तो एक p ऑर्बिटल से, दो d ऑर्बिटल से, इस तरीके से। तो यहां से आपका पता पड़ सकता है, देखो आपको छह बॉन्ड है, ध्यान से समझना बच्चों, आपके छह बॉन्ड है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड छह, तो छह ऑर्बिटल आपको निकालने पड़ेंगे। तो sp2 से तो हमको वो पता पड़ गया कि ये आपके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब बचे हुए ऑर्बिटल आपके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, तो ये आपका पाई बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन का हमेशा पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल, तो ये वाला बॉन्ड पी पाई पी पाई, ये वाला बॉन्ड डी पाई पी पाई, ये वाला बॉन्ड डी पाई पी पाई, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक आपको कहीं पर भी क्वेश्चन को गलत नहीं कराएगी, ये ट्रिक आपको कहीं पर भी कोई सा भी क्वेश्चन इस ट्रिक से रिलेटेड कोई एक्सेप्शन आपका नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए मैंने इस ट्रिक को आपको बताया है, वरना इस ट्रिक को मैं नहीं बताता, अगर एक्सेप्शन होता तो मैं नहीं बताता पक्का, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस ट्रिक से आपका एक भी क्वेश्चन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अभी तो मैंने इस क्वेश्चन को बताया ट्रिक से, अभी मैंने पहले भी एक दो क्वेश्चन कराए थे, उसको भी हम अभी ना ट्रिक से देख लेते बच्चों कि ट्रिक से हम उसको कैसे डील करेंगे, ठीक है, ट्रिक से हम उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे उसको भी अब हम देख लेते ध्यान से, ठीक है। ट्रिक से दूसरे क्वेश्चन को भी हमको किस तरीके से डील करना है उसको हम ध्यान से देख लेते एक दो बार, दो मिनट, ठीक है। तो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, समझते उसको, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों XeO3 का, ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया XeO3 का, ठीक है, XeO3 का एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों मैं, तो एग्जांपल XeO3, ये तो आप लोगों ने बनाया है, ठीक है, XeO3 आप लोगों ने बनाया है, तो XeO3 तो अभी आप लोगों ने बनाया, तो XeO3 में क्या था बच्चों, ठीक है, अब XeO3 में आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया था, sp3 आया था, बात क्लियर है, तो इस तरीके से मैंने बनाया था। अब इसमें ट्रिक को ध्यान से समझना, ये मैंने बनाया था XeO3, ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप बता सकते हो कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप आपका हुआ होगा sp3। तो ज़ेनोन का सबसे पहले तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब यहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा, यहाँ पर अभी जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपको पता पड़ जाएगा एक लोन पेयर चाहिए और कितने आपके तीन बॉन्ड पेयर चाहिए, ठीक है, तीन बॉन्ड पेयर चाहिए। तो ले देखिए सिंपल बात है, मुझे एक लोन पेयर वाला और तीन बॉन्ड पेयर वाला एक्सी का स्ट्रक्चर बना लेना है, तो एक्सी का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, एक्सी का मैं आपको ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना देता हूँ। देखो
मुझे एक लोन पेयर चाहिए तो यहाँ पर एक लोन पेयर बचाऊंगा मैं और बाकी सबको अनपेयर कर दूंगा, बाकी सबको मैं क्या कर दूंगा बच्चों, अनपेयर कर दूंगा, ये मेरा डी ऑर्बिटल। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैंने क्या कर दिया, बाकी सबको अनपेयर कर दिया। अब तरीका समझना मैं कैसे निकाल रहा हूँ, इसको सीधा भी मैं बोल सकता था लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर देखो ये हो गया। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि लोन पेयर को हमेशा एस ऑर्बिटल में क्या कैलकुलेट कर लो, थोड़ी देर के लिए। वैसे होता नहीं है, वैसे होता नहीं है, लोन पेयर आपका sp3 ऑर्बिटल में होता है, लेकिन आप लोग ना इसको इसको बोलते एस ऑर्बिटल का होगा, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो एस ऑर्बिटल का होगा। और यहाँ पर जो एक होगा बच्चों पी ऑर्बिटल, टोटल कितना काम है देखो, कितने ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 काम में आए, एस पी 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 डी डी डी। ठीक है, एक एस के लिए मैंने काउंट कर लिया, एक पी के लिए एक मैंने सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिया, एक पी के लिए मैंने अगेन सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिया, एक पी के लिए अगेन मैंने सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिया। अब जो बॉन्डिंग बची है वो कौन से ऑर्बिटल के लिए बची है, तो अब जो दूसरी बॉन्डिंग बचेगी, देखो प्राइमरी में मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहा हूं, प्राइमरी में मैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड, सेकेंडरी में हमेशा पाई बॉन्ड, तो ये वाली आपकी किसके लिए बचेगी, डी ऑर्बिटल के लिए। ये वाला आपका बॉन्ड में आपका एक्सी का कौन सा होगा, डी ऑर्बिटल होगा। ये वाले के लिए क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा। अब पी में आप जानते हो पी ऑर्बिटल होता है, तो आप सिंपली देख सकते हो कि पाई बॉन्ड के लिए यहां पर कौन सा बना है, एक तो यहीं ज़ेनोन का डी ऑर्बिटल, तो यहां पर क्या बनेगा, डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, वरना आप पहला मेथड ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करो, डी पाई पी पाई और यहां पर डी पाई पी पाई। तो इस तरीके से हम ट्रिक के थ्रू भी बोल सकते हैं, ट्रिक के थ्रू भी बोल सकते हैं। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ ट्रिक के थ्रू ही, अलग क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा मैं अलग क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों, ताकि आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या कंसेप्ट एक्चुअली में सर बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर मैं और भी इसके बारे में कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, तो आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग आएगा तो आपको और भी कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर मैं आप इसके बारे में ही चर्चा ज्यादा करूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल अलग लेता हूं, ClO4-। अगर मैं इसका सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूंगा, कैलकुलेटर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, यहां पर 7 प्लस 4 इनटू 6 प्लस 1, प्लस 1 इसके लिए माइनस है ना, प्लस 1 कैलकुलेट करो, 7 यहां पर 24 24 25 25 और यहां पर 32 हो गया, क्लियर है। अब देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8, तो 32 डिवाइड बाय 8 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। अब जब 4 आ जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, तो लोन पेयर कितना हो गया, 0, और बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4। अब मैं स्टेरिक नंबर निकालूंगा तो 4 + 0 = 4, 4 का मतलब कौन सा, पिरामिडल स्ट्रक्चर, कौन सा, पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब जब पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा बच्चों, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में अलग होगा बच्चों ये। अब मैं क्या बोलता हूँ, Cl। ठीक है, अब देखो यहाँ पर Cl का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, ऑक्सीजन डायटोमिक है, लेकिन एक के ऊपर माइनस है तो एक ऑक्सीजन आपका मोनोएटॉमिक होगा, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। आपको VACPR में मैंने स्ट्रक्चर बनाना बताया था, अगर एक माइनस होगा तो वो आपका इस तरीके से होगा, क्योंकि अभी इसको इलेक्ट्रॉन, अभी इसको बॉन्डिंग बनाना है, तो इस तरीके से ध्यान रखो इसका इस तरीके से बनेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर कितने बॉन्ड बने, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हियर, तो यहाँ पर आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 7, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड विल बी 7, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए 7, 7 का मतलब कि तो यहाँ पर बोल सकते हैं शॉर्टकट के लिए, ट्रिक के लिए बच्चों, ये ट्रिक के लिए, अदरवाइज इसको मत मानना, 7 बॉन्ड है तो इसका मतलब 7 ऑर्बिटल आपके काम में आए होंगे। 7 ऑर्बिटल कौन कौन से, क्लोरीन का एक एस पी 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 के भी एक और पी डी डी डी। ठीक है, 7 बॉन्ड बने तो 7 ऑर्बिटल आपके काम में आए होंगे। अब ये मुझे नहीं पता कि कौन से आपके हाइब्रिडाइजेशन में काम आए, देखो यहाँ पर देखो आप समझ सकते हो, एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल कितने, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 4 आपके ऑर्बिटल सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड के लिए काम में आ गए। ठीक है, क्लोरीन के
अब क्लोरीन में तीन पाई बॉन्ड है, यहां पर तीन पाई बॉन्ड है, तो तीन पाई बॉन्ड के लिए बचे हुए कौन कौन से डी ऑर्बिटल काम में आ गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन में तो आपका पी ऑर्बिटल होता है, तो यहां पर क्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में काम में आए, डी ऑर्बिटल, और यहां पर ऑक्सीजन के कौन सा, यहां पर क्लोरीन का डी ऑर्बिटल काम में आया, और ऑक्सीजन का यहां पर कौन सा पी ऑर्बिटल, तो यहां पर जितने भी पाई बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे, डी पाई पी पाई, कौन से होंगे, डी पाई पी पाई। समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक दो बार देखोगे इस लेक्चर को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, और क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं और हम लोगों का गलती होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए इन सब क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखो, समझो, ध्यान से करो, ठीक है, ध्यान से करो, ठीक है। इसके बारे में और भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक तो हमने जितने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़े पढ़े थे उसमें आपको आपको पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि अब हम बात करते हैं कि जो हमने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन उसके लिए नोट में लिखाता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं आपको नोट लिखाता हूँ एक, ताकि वो आपके काम में आएगा, नोट लिखते हैं और मैं आपको समझाता हूँ, समझाता भी हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में था क्या। आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन मतलब देखो नोट नोट हाइब्रिडाइजेशन इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर which is given by VSEPR theory। अब समझ में आया आपको, मतलब स्ट्रक्चर पहले आया, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट बाद में आया, स्ट्रक्चर पहले आया, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट बाद में आया, बॉन्ड एंगल पहले आया, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट बाद में आया, बॉन्ड एंगल पहले आया, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट बाद में आया, क्योंकि VSEPR में ही मैंने आपको बता दिया था ना बॉन्ड एंगल के बारे में, VSEPR थ्योरी में ही मैंने आपको बता दिया था बॉन्ड एंगल के बारे में, तो बॉन्ड एंगल पहले आया, सब कुछ पहले हुआ। मतलब अगर मैं बोलना चाहूं कि NH3 की ज्योमेट्री आपकी ऐसी है, NH3 की ज्योमेट्री आपकी ऐसी होती है, मैंने आज सब इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं, NH3 की ज्योमेट्री आपकी ऐसी है, मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है, ऐसा हमको किसने बोला, इसके बीच 109 डिग्री 28 मिनट है, इसके बीच आपका less than 109 degree 28 minute एंगल आपका यहां पर दो मिनट यहां पर समझते हैं, इसको ना लेके मैं CH4 वाला लेता ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो पहले ये चीज हमको बता दिया गया कि इसके बीच एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट है, मतलब यहां पर एंगल पहले बता दिया गया, कितने बॉन्ड बनेंगे ये सब आपको किसने बताया, ये सब कुछ आपको बताया VSEPR ने, ठीक है, VSEPR ने कैसे बताया, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बताया ये सब, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके इसने ऐसा बताया, ठीक है। लेकिन हज के पास कोई थ्योरेटिकली मतलब पेन और पेपर पे एक्सप्लेन करने का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो इसी के इस मॉडल को कंसेप्ट करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन का सहारा। तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या किया, VSEPR के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को एक्सप्लेन करने का काम किया और कुछ नहीं किया। यहां पर हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल इसीलिए हमको लेना पड़ा, ठीक है, इसीलिए हमको यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में लेना पड़ा, ठीक है। लेकिन हम लोग लेकिन यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, सेकंड नोट समझना बच्चों, बट वी कैन, दूसरा नोट, बट वी कैन एक्सप्लेन, बट सेकंड, वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द मॉलिक्यूल
ऑल द मॉलिक्यूल बाय हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम हर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन से नहीं कर सकते, हर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, ऑल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बाय हाइब्रिड और ऑर्बिटल। अब समझना, इन हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप टू ईच अदर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप टू ईच अदर बट इन द केस ऑफ थर्ड पीरियड समझना, आप देखो NH3 PH3 ASH3 ठीक है और SPH3 ठीक है। अब अगर मैं बात किया तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री के अराउंड है, लेकिन यहां जैसे जो तीनों का जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के अराउंड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलना चाहूं कि H2O H2S H2SE H2TE ठीक है, अब देखो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 104 डिग्री के अराउंड होता है, अभी आप लोग ध्यान रखो 104 डिग्री के अराउंड होगा, लेकिन इसका भी अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि अगर मैं ओवरलैप कराऊंगा तो एंगल आपका 90 डिग्री नहीं होगा, अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैप कराऊंगा तो एंगल आपका 90 डिग्री नहीं होगा। अब आप जाओ जहां मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिया था उसको समझो वहां पर मैंने क्या बोला था, एंगल मुझे 90 डिग्री नहीं मिलना चाहिए, 109 डिग्री मिलना चाहिए, इसलिए मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल लाया था, लेकिन अब मुझे एंगल कितना चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, तो मुझे यहां पर क्या होगा, दिस कैन नॉट एक्सप्लेन बाय हाइब्रिडाइजेशन it is only explained by atomic orbital overlapping, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब समझना, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का सहारा नहीं लूंगा, यहां पर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल के एक्सप्लेन करने का सहारा लूंगा, और इन्हीं की जो एक्सप्लेन करने का जो रूल था उसको हमने क्या बोला, ड्रैगो रूल, उसी को हमने क्या बोला, ड्रैगोस रूल। बस ये आपका ड्रैगोस रूल था यार, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। यहां पर आपका कौन सा रूल आएगा बच्चों, ड्रैगोस रूल। अब ड्रैगो रूल ने क्या बोला, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कल मैं और पढ़ाऊंगा इसके बारे में, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं पीएच 3 की बात करूंगा तो पीएच 3 के बीच कितने डिग्री का एंगल है, यहां पर आपका थीटा कितना है, 90 डिग्री, थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा आपका 90 डिग्री का एप्रोक्सीमेट अभी बताया, अब आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखो कि थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन, मैं बोल्ट की बात कर रहा हूं, बोल्ट की, ठीक है, एस अपॉन एस माइनस वन, तो यहां पर कैलकुलेट करोगे तो कोस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एस अपॉन एस माइनस वन। अब कोस थीटा कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जीरो होती है, तो जीरो इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन, अभी यहां जाएगा तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, तो बॉन्ड में जो एस कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, बॉन्ड में जो एस कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। एक्चुअली में ये मुझे बताओ कि किसी भी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर क्या आपका जीरो होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब यहां पर जो
यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ है, ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या मेरा sp2 में जीरो होता था, s की परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज s के रिलेटेड निकालता हूं जाऊं तो क्या यहाँ पर जीरो होता था? क्या यहाँ पर sp, sp में भी s का परसेंटेज कैरेक्टर आपका 50% आपका हुआ करता था, यहाँ पर भी आपका 33.33% हुआ करता था, यहाँ पर भी आपका कितना होता था परसेंटेज s कैरेक्टर 25%। क्या यहाँ पर आपका हुआ करता था s परसेंट कैरेक्टर जीरो? कभी हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि ये जो यहाँ पर s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ पर जो बॉन्डिंग में s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ पर सिंपली आपका p ऑर्बिटल, मतलब p ऑर्बिटल ने ओवरलैप कर लिया, p ऑर्बिटल ने ओवरलैप कर लिया, और जो ये आपका, जो ये आपका लोन पेयर है वो सिंपली s पर, s में प्रेजेंट है, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो s में प्रेजेंट है। बस ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। तो मैंने क्या एक्सप्लेन करूंगा इससे, समझना, इससे मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, समझना, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा समझना बच्चों, एक बार कोशिश करो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इससे मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा कि पी ऑर्बिटल का फास्फोरस, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बना देता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, यहां पर एक s का दो, यहाँ पर P के मैंने तीन ऑर्बिटल बना दिए। ठीक है, ये यहाँ मैंने P के तीन ऑर्बिटल बना दिए। अब देखो क्या हुआ, P का ये P, ये P, ये P आपके हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया। हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल में अनपेयर होगा तो हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल के साथ सिंपली ओवरलैप कर गया। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ये मेरा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का ये PX ऑर्बिटल, ये आपका PY ऑर्बिटल, ये आपका PZ ऑर्बिटल, ये आपका PZ ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपका PZ, ये आपका PY और ये आपका PX। इसने सिंपली हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। ये आपस में ऑर्बिटल आपके हाइब्रिड नहीं हुए, पहले भी लिखता था ना यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर हाइब्रिड नहीं हुआ, यहां पर आपस में सिंपली आपके हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ सिंपली आपके ओवरलैप हो गए। इसका मैं एक लोब कम बना के बताता हूं, एक लोब मैं यहां से हटाता हूं फिर आपको समझ में आएगा, एज ए एक्सप्लेनेशन मैं एक लोब हटा के बनाता हूं ताकि आपको और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक लोब हटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पी का एक पी एक्स, ये पी का एक पी वाई और ये पी का एक पी जेड। ठीक है, ये हो गया, ये एक लोब मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उससे। ये px यहां पर हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा और आपके s ऑर्बिटल में कौन प्रेजेंट होगा, लोन पेयर, लोन पेयर आपका कहां प्रेजेंट होगा, s ऑर्बिटल में। तो इस तरीके से आपका यहां पर क्या हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ। क्या यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या हुआ बच्चों, ओवरलैप हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ। ठीक है, क्या यहाँ पर पहले हाइब्रिड हुआ, नहीं हुआ, अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता तो हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ। अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि PX, PY, PZ आपस में कैसे होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री, तो मुझे 90 डिग्री भी तो एंगल मुझे मिल गया, मुझे 90 डिग्री एंगल चाहिए था तो 90 डिग्री एंगल भी मिल गया। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी थोड़ा इसको समझो, कल मैं और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, एक दो एग्जांपल और मैं दूंगा, जहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखना, ध्यान से कोशिश करो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यहां एक्सप्लेन नहीं होता है। आई होप सो कि आपको यहां तक आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक दो बार करो, क्योंकि आज का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदर लेक्चर से। ठीक है, तो आज के लेक्चर को आप एक दो बार करने की कोशिश करो, आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग this